नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। हरक सिंह रावत आज दिल्ली में थाम सकते हैं कांग्रेस का हाथ, बहु अनुकृति भी साथ रहेंगी मौजूद। कल सीएम धामी ने मंत्रिमंडल से की थी छुट्टी। पंजाब में बदली मतदान की तारीख तो उत्तराखंड में भी उठी मांग। विभिन्न संगठनों की ओर से 6 मार्च को वोटिंग की रखी मांग। उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति और पलायन को देखते हुए किया आग्रह। उत्तराखंड में चुनाव से पहले पाचियों की सेंधमारी। सितारगंज विधानसभा में बड़ी संख्या में आप कार्यकर्ताओं ने थामा कांग्रेस का दामन। सतवंत सिंह बागी ने भी ली कांग्रेस की सदस्यता। ऋषिकेश में भाजपा के कार्यक्रम में कोविड नियमों का उल्लंघन। स्थानीय लोगों ने दी प्रशासन को जानकारी। महामारी एक्ट के तहत सभी लोगों पर मुकदमा दर्ज। उत्तराखंड में कोरोना के एक्टिव केस पहुंचे 18,000 के पार। 3,295 मामलों के साथ 4 मरीजों की मौत। देहरादून में सबसे अधिक 987 लोग मिले कोरोना संक्रमित। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा से निष्कासित किए गए पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं। हरक सिंह रावत के साथ उनकी बहू अनुकृति भी कांग्रेस ज्वाइन करेंगी। रावत अपनी बहू के साथ दिल्ली में पार्टी के बड़े नेताओं की मौजूदगी में कांग्रेस का हाथ थामेंगे। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस में अब टिकटों की घोषणा हर एक एपिसोड के पूरा होने के बाद ही होगी। वहीं पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी ने फंसी हुई सीटों पर एक बार फिर मंथन बैठक कर पैनल तैयार कर लिए हैं, जिन्हें केंद्रीय चुनाव समिति सीईसी को सौंपा जाएगा। चुनाव आयोग की ओर से पंजाब में मतदान की तारीख बढ़ाने के साथ ही उत्तराखंड में चुनाव तिथि में बदलाव की मांग उठ रही है। विभिन्न संगठनों की ओर से आयोग से उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति और पलायन को देखते हुए मतदान के लिए रविवार का दिन और मार्च के पहले सप्ताह में तिथि तय करने का आग्रह किया गया है। जानकारों का ये मानना है कि उत्तराखंड में मतदान के लिए 6 मार्च का दिन उपयुक्त हो सकता है। चुनाव आयोग ने उत्तराखंड में मतदान के लिए 14 फरवरी का दिन तय किया है। इस दिन सोमवार है। जानकारों के मुताबिक फरवरी महीने में प्रदेश के चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी समेत कई जिलों के ऊंचाई क्षेत्रों में मौसम खराब होने के बर्फबारी की संभावना रहती है, जिससे पोलिंग पार्टियों को बूथ तक पहुंचने के साथ लोगों को वोट डालने के लिए बूथ पहुंचने में दिक्कत रहती है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिला प्रशासन ने विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी पहल शुरू कर दी है। इसके तहत पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारियों को प्रशिक्षण के साथ साथ कोरोना गाइडलाइन की जानकारी दी जा रही है। ऐसे में जिला निर्वाचन अधिकारी वंदना सिंह ने बताया कि सभी कर्मचारियों को ईवीएम मशीनों के संचालन का प्रशिक्षण दिया गया, साथ ही चुनाव में पारदर्शिता लाने के लिए निर्देशित किया गया। आज मतदान के लिए जो विभिन्न कर्मचारियों की ड्यूटी लगेगी पूरी प्रोसेस में, उसके ऊपर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित कराया जा रहा है। ईवीएम की ट्रेनिंग भी दी जा रही है और हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी ईवीएम की सभी यहां पर जो मास्टर ट्रेनर है वो करा रहे हैं। इनको निर्वाचन से संबंधित जो नए दिशा निर्देश हैं, कोविड के दृष्टिगत जो नए दिशा निर्देश आए हैं, वो भी सभी कार्मिकों को उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था कराई गई।
उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही राजनीतिक दलों के बीच सेंधमारी का खेल तेज हो गया है। इसी बीच सितारगंज विधानसभा से सतवंत सिंह बागी अपने कई साथियों के साथ आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। वहीं किसान कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष जितेंद्र सिंह संधू के नेतृत्व में सतवंत सिंह बागी समेत दर्जन भर लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ली है। जितेंद्र सिंह संधू ने बताया कि सतवंत सिंह बागी ने आम आदमी पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में 10 साल तक मेहनत की, लेकिन जो सम्मान उनको मिलना चाहिए था वह सम्मान नहीं मिला। तो सतवंत सिंह बागी ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है। सितारगंज विधानसभा क्षेत्र में सेंधमारी की गई, आप कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का दामन थामा। साया सतवंत सिंह बागी जी 10 साल इन्होंने आम आदमी पार्टी में एक कार्यकर्ता बनकर सेवा की, मेहनत की, दिन रात एक करके उस पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा लगन से काम किया, लेकिन आज उनको सम्मान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। और कई चीज़ें हैं जो उन्होंने हमसे बताई हैं और उनसे परेशान होकर वो उन्होंने पार्टी छोड़ी। पार्टी छोड़ने के बाद आज वो किसान कांग्रेस में ज्वाइनिंग कर ली उन्होंने और मेरे नेतृत्व में ज्वाइनिंग कराई गई है। आम आदमी पार्टी देखिए ये बीजेपी की ट्रू कॉपी है, बी कॉपी जिसको बोलते हैं, ये बीजेपी की बी कॉपी है। और यहाँ ये सोच रहे हैं कि हम पहली बार आकर के उत्तराखंड में अपनी सरकार बना लेंगे, अपने विधायक जितवा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। इसके अंदर आज जो मुझे सम्मान दिया गया है, सचिव बनाया गया, प्रदेश सचिव, पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ जितेंद्र संधू जी का, गुरुदेव सिंह वेर्क जी, हमारी किस्सा सारी टीम, प्रभजोत सिंह जी और मेरी यहाँ की लोकल सारी टीम सितारगंज की। कांग्रेस के अंदर अच्छाइयाँ ये हैं कि कांग्रेस के ज़माने में किसान भी संतुष्ट खुश था, गरीब मजदूर हर वर्ग खुश था। बीजेपी सरकार के अंदर आज मजदूर पिस रहा है, किसान पिस रहा है, 750 किसानों की शहीदियाँ हुई। कांग्रेस सरकार ने किसानों की सपोर्ट के अंदर रात दिन आंदोलन किए, धरने दिए, इन सभी चीज़ों को देखते हुए हमें संतुष्टि हुई कि हमें कहीं ना कहीं जो सरकार बन रही है इसमें उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस की, तो कांग्रेस को सपोर्ट करनी चाहिए। चलिए आपको दिल्ली से सीधे लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। रणदीप सुरजेवाला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। उनके परिवार से कोई लेना देना भी नहीं, उसके अंदर झूठी संलिप्तता के माध्यम से ये अपने आप में दिखाता है कि बदले की भावना, प्रतिशोध की भावना गरीबों, दलितों और हिंदुस्तान के इकलौते दलित मुख्यमंत्री के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के मन में धधक रही है। केस है क्या दोस्तों? केस है कि कांग्रेस की सरकार के समय 7 मार्च 2018 को FIR नंबर 26 पुलिस स्टेशन राहो जिला नवाशहर में दर्ज होती है माइनिंग एक्ट के तहत। उसके अंदर चन्नी जी के किसी रिश्तेदार का नाम नहीं, चन्नी जी के परिवार के किसी सदस्य का नाम नहीं, एक व्यक्ति जिसका नाम है 34 एक्यूज्ड के अंदर उसका नाम है कुदरत दीप, चालान पेश हो जाता है, केस मुकदमा चल रहा है, चालान के अंदर कुदरत दीप की भूमिका ही नहीं दिखती। आज ये कहा जा रहा है कि ये कुदरत दीप की दोस्ती या जान पहचान भूपेंद्र सिंह हनी नाम के 28 साल के नौजवान से थी, वो नौजवान जो अपनी पढ़ाई पूरी करके वापिस आया है। भूपेंद्र सिंह हनी सरदार चरणजीत सिंह चन्नी जी की साली का बेटा है, भतीजा है, पर भूपेंद्र सिंह हनी का तो कहीं FIR में नाम नहीं। मैं आप सबको पत्रकार मित्रों को जानता हूं, तो कल आप में से या मुझ में से अगर कोई जुर्म कर दे तो क्या आप सब पर भी FIR और ED की रेड हो जाएगी? ये कौन सा मापदंड और तरीका नया है? तो इसलिए जब कुछ नहीं मिला, जब राजनीतिक तौर से सारी चीजें खंगाल ली और एक गरीब दलित युवा पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ कुछ नहीं मिला, तो इस प्रकार के उल जलूल, बेतुके और बचकाने इल्जामात लेकर भारतीय जनता पार्टी मैदान में आई है। और साथियों, आजकल खूब नूरा कुश्ती चल रही है,
मोदी जी और केजरीवाल जी में। जब 10-15 मिनट के लिए काफिला रुक जाता है प्रधानमंत्री जी का, तो प्रधानमंत्री की डिफेंस में कौन कूदता है? अरविंद केजरीवाल जी महोदय सबसे पहले चन्नी साहब और उनकी सरकार पर हमलावर हो जाते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मोदी जी की डिफेंस में खड़े हो जाते हैं। और आज जब ना चन्नी जी को मालूम था, ना पत्रकारों को मालूम था, ना अखबार नवीसों को मालूम था कि ईडी की रेड होगी, तो ईडी की रेड होते ही पहला बयान किसका आया? माननीय अरविंद केजरीवाल जी का। लगता है मोदी जी के आजकल डायरेक्ट हॉटलाइन अरविंद केजरीवाल जी से मिली हुई है। दोनों मिलकर पंजाब में, उत्तराखंड में और गोवा में नूरा कुश्ती खेल रहे हैं। एक नाजायज काम करता है और दूसरा उसे सही बताता है। अगर किसान आंदोलन कर रहे थे तो फिर उन किसानों के आंदोलन को नाजायज बताकर चन्नी सरकार पर हमलावर अरविंद केजरीवाल होते हैं। आज भी ईडी अगर अनाप शनाप रेड कर रही है, बेतुकी, बचकानी, बेबुनियाद, तो सबसे पहले अरविंद केजरीवाल हमला बोलते हैं। परंतु पंजाब और पंजाबी और पंजाब के हमारे भाई बहन 3 करोड़ से अधिक ये जानते हैं कि केजरीवाल जी और मोदी जी की नूरा किश्ती के मायने क्या हैं। वो इस झांसे में आने वाले नहीं। और मोदी जी एक बात जान लीजिए, कांग्रेस के अनेकों नेताओं पर गुजरात से लेकर और दूर उत्तर पूर्व तक आपने अनेकों बार ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स और सीबीडीटी इस्तेमाल करके देख ली, परंतु हम ना डरने वाले, ना दबने वाले, ना झुकने वाले। नरेंद्र मोदी जी ने हमला बोला है दलितों के अधिकारों पर, दलितों के सम्मान पर, गरीबों के अधिकारों पर। भारतीय जनता पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी को यह हजम नहीं हो रहा कि कैसे एक दलित नौजवान सरदार चरणजीत सिंह चन्नी के तौर पर पंजाब के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गया। परंतु ये जनता है, 3 करोड़ पंजाबी जो फैसला करेंगे, फैसला वही होगा। और इसलिए ये जान लीजिए कि किसानों, दलितों, गरीबों, पिछड़ों पर भारतीय जनता पार्टी, आपको इन वर्गों ने नकार दिया है। और कितना भी आक्रमण करें और सुदृढ़ता से ये सारे इस देश के गरीब, इस देश के कामगार, इस देश के मजदूर, इस देश के किसान मजबूती और दृढ़ता से सामने खड़े हो जाएंगे। मैं अब अनुरोध करूंगा पंजाब के प्रभारी और हमारे साथी हरीश चौधरी जी से कि वो अपनी बात कहेंगे और फिर हम आपके सवाल लेंगे। हरीश चौधरी जी, पूरा देश जान रहा है, तमाम आप लोगों के मीडिया द्वारा सर्वे एक ही बात उल्लेख कर रही है कि सबसे अगर किसी की लोकप्रियता है, सबसे पॉपुलर अगर कोई पंजाब में है, वो चरणजीत सिंह चन्नी। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार पंजाब से कितना देशपूर्ण रवैया रखती है वो भी पूरी देश अच्छी तरह से जानते हैं। किसान आंदोलन के वक्त पंजाब और पंजाबियों को दबाने की कोशिश करी गई, बदनाम करने की कोशिश की गई। कई तरह के हथियार जो आज हम ईडी के तौर पर देख रहे हैं वो इस्तेमाल किए गए, पर पंजाब और पंजाबी और पंजाबियत मजबूती से खड़ी रही। भारतीय जनता पार्टी भूल कर रही है, ये कैप्टन अमरिंदर सिंह जी नहीं है, ये चरणजीत सिंह चन्नी है। ये चरणजीत सिंह जी चन्नी को डराने और मिटाने का जो प्रयास कर रहे हैं, ये उनकी बड़ी भूल है। चरणजीत सिंह चन्नी मजबूती से पंजाब के लिए खड़े हैं।
खड़े रहेंगे, जो 111 दिन की सरकार चरणजीत सिंह चन्नी ने चलाई, उससे ये बौखलाहट बढ़ी। आज कांग्रेस वहां सरकार बनाने के लिए जा रही है, इसलिए बौखलाहट बढ़ी। यह आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी जी की सरकार का जो मिला जुला, पहले तो पंजाब को बदनाम किया गया कि ये जो पॉल्यूशन हो रहा है यहाँ, ये पंजाब के किसानों द्वारा हो रहा है। दिल्ली के अंदर किसान आंदोलन के अंदर बदनाम किया गया पंजाब को, प्रधानमंत्री की जो यात्रा पंजाब में हुई उसमें पंजाबियों को बदनाम किया गया। चरणजीत सिंह चन्नी की क्या गलती, आज 70,000 कुर्सियां, अगर पंजाबी उस 70,000 कुर्सियों के अंदर 700 आई तो ये कोई चरणजीत सिंह चन्नी की गलती नहीं। वो कुर्सियां भरनी चरणजीत सिंह की जिम्मेवारी नहीं थी। एक ऐसी हालात बनानी जिसमें पंजाब के लोगों के ऊपर लाठी चार्ज कराना और गोलियां चलानी, उसके अंदर चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के साथ खड़े रहे, उस पूरी जो घटनाक्रम हुए उसके अंदर निष्पक्ष तौर पर पंजाब के साथ खड़े रहे, ये उनका कोई दोष नहीं। ईडी द्वारा जो आज रेड की गई, जिस रेड से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर के ऊपर चरणजीत सिंह जी चन्नी, कांग्रेस के किसी नेता और कार्यकर्ता का कोई भी जुड़ाव नहीं है, ये फेक रेड जिसे दबाओ कांग्रेस के ऊपर लगातार कांग्रेस के नेताओं व कार्यकर्ताओं के ऊपर केंद्र सरकार द्वारा दबाव, हाँ कुछ नेता है उस दबाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली है, पर चरणजीत सिंह चन्नी और तमाम कांग्रेस के नेता कितना भी दबाने की कोशिश करेंगे मजबूती से पंजाब के साथ खड़े रहेंगे। आज अरविंद केजरीवाल जी पंजाब के साथ खड़े नहीं रहकर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के तौर के ऊपर जो उनको मदद कर रहे हैं, हर वक्त मदद कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की यात्रा के संदर्भ में भी उनका पंजाब के साथ खड़ा नहीं रहना एक दुर्भाग्यपूर्ण उनका स्टैंड था। आज भी जो फेक रेड, जो नया हथियार नहीं है भारतीय जनता पार्टी का, शरद पवार के सामने इस हथियार का उपयोग हुआ, ममता बनर्जी के सामने इस हथियार का उपयोग हुआ, अखिलेश यादव के सामने इस हथियार का उपयोग हो रहा है। पंजाब के लोग बहुत जागरूक हैं, आने वाले चुनाव के अंदर केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी और अरविंद केजरीवाल और इनका गठबंधन को मजबूती से जवाब देंगे चुनाव में मत के माध्यम से, यही मैं कहना चाहता हूँ। कांग्रेस चरणजीत सिंह चन्नी के साथ में है, कांग्रेस पंजाब के साथ में है, कांग्रेस पंजाबियत के साथ में खड़ी है, मजबूती से खड़ी रहेगी। शुक्रिया। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो अब बारी बारी से आप पूछ सकते हैं। तो अभी आप सुन रहे थे रणदीप सुरजेवाला और पंजाब प्रभारी हरीश चौधरी को, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर सीधा निशाना साधा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के विकास नगर में विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी से टिकट कटने पर दल बदल की राजनीति चरम पर है, तो वहीं अब टिकट ना मिलने पर पार्टियां छोड़ने का दौर शुरू हो गया है। साथ ही जो लोग पहले पार्टी का गुणगान कर रहे थे वही अब पार्टी के खिलाफ ही नारेबाजी करने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के विकास नगर कार्यालय में नाराज आप कार्यकर्ताओं ने पार्टी के पोस्टर फाड़ कर आग के हवाले कर दिए। इसी बीच आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष गुरमेल सिंह राठौड़ ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ आपको अलविदा कह दिया। विकास नगर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान गुरमेल सिंह राठौड़ ने आम आदमी पार्टी को भ्रष्ट पार्टी बताते हुए अपने सैकड़ों साथियों के साथ पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस और भाजपा की राह पर चल रही है। कई वर्षों से आम आदमी पार्टी को जो है बूथ बूथ पर प्रत्येक घर पर आम आदमी की पहचान बनवाई और आज दूसरी पार्टी से जो भगोड़ा व्यक्ति है वो आम आदमी पार्टी में आ जाता है, जो मात्र एक बीडीसी मेंबर है। हम सभी पदाधिकारियों की अनदेखी की गई। मैं जिला अध्यक्ष हूँ आम आदमी पार्टी का, मेरे से पूरे जिले में पूरे प्रदेश में उन्होंने प्रचार कराया और जब आज किसी प्रतिफल की
अपेक्षा हमारे कार्यकर्ताओं ने की, तो उन्होंने एक भगोड़े को जो एकमात्र बीडीसी मेंबर है उसको आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी बना दिया। आम आदमी पार्टी का विधानसभा और जो विधानसभा में जिले के प्रदेश के पदाधिकारी हैं वो सभी आज नाराज हैं और अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। आज हमने आम आदमी पार्टी का जो कार्यालय था, जो हमने 2 साल से मेहनत करी थी, आम आदमी पार्टी, ईमानदार पार्टी, लेकिन इससे ज़्यादा बेईमान पार्टी हमने नहीं देखी। जो टिकट, जो जिसने धरती से मेहनत करी, जिसने इस पार्टी को लाए हैं, इस पार्टी को जागरूक कराए, आज उन्हें टिकट ना दे के किसी और बीजेपी दल को टिकट दे दिया है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए लगातार सीटों पर दावेदारी के लिए नेताओं की होड़ लगी है। बात करें भाजपा की तो वरिष्ठ नेता प्रकाश सुमन ध्यानी ने ताल ठोकते हुए धर्मपुर सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि भाजपा धर्मपुर सीट से मुझे प्रत्याशी घोषित करेगी, क्योंकि यहाँ के पूर्व विधायक विनोद चमोली ने कोई भी कार्य नहीं किए। आपको बता दें कि धर्मपुर सीट पर भाजपा से कई कार्यकर्ता दावेदारी पेश कर रहे हैं। सबसे ज्यादा देहरादून में दावेदार धर्मपुर से ही 17-18 दावेदार हैं, तो उनको ये सोचना चाहिए आखिर 17-18 दावेदार धर्मपुर में हो कैसे गए। फिर तो यदि वो सफल थे तो उनको यहाँ कोई तो दावेदार होना ही नहीं चाहिए था। और उनके बारे में कभी वो कह देते हैं कि साहब भाड़ में जाए तुम्हारा टिकट, कभी कार्यकर्ताओं को भस्मासुर कह देते हैं, तो इससे परिस्थिति का पता चल जाता है। और जिस रोड पे हम जा रहे हैं, ये रोड 10 साल से दिनेश अग्रवाल रहे तब भी ऐसी ही थी, अब 5 साल हो रहे तब भी ऐसी ही है। आप बामनवाला में जाइए क्या स्थिति है, मेरे घर की 5 तारीख को मेरे घर की गली जेसीबी से खुदवा दी गई है। खबर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से है, जहां नानकमता विधानसभा से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी आनंद सिंह राणा का टिकट फाइनल होने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि नानकमता विधानसभा से आम आदमी पार्टी ने बड़ा बदलाव करते हुए आनंद सिंह राणा को प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में उनके समर्थकों ने मिठाई बांटकर खुशी जताई, साथ ही आनंद सिंह राणा ने उत्तराखंड में आप पार्टी की सरकार बनने का दावा किया। पार्टी को उनसे पूरी उम्मीद है और इसी उम्मीद के साथ ही पार्टी ने उनको टिकट दिया है। आनंद सिंह राणा जी आज के नहीं है इस क्षेत्र में, बहुत पुराने इस क्षेत्र में उनका दबदबा रहा है। उन्होंने पहले 1 साल से लगभग वो यहाँ से दावेदारी कर रहे थे और पार्टी ने उनको टिकट दिया है। ये बहुत बेहतर काम किया मेरे हिसाब से, पार्टी ने उनको टिकट दे के एक मजबूत प्रत्याशी को ना देंगे। हाँ ऐसा भी है, लेकिन उनके अपने सितारे भी हैं, आप उनके पास राजयोग है, वो जीतेंगे और विधायक बनेंगे और आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, उसमें हो सकता है वो मंत्री भी बने। जिम्मेदारी मिली है, मैं इसके लिए हाईकमान को धन्यवाद देना चाहूँगा। विशेषकर हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं यशपाल जी, उनके स्वतंत्र का फल मुझे मिला है। इन्होंने रात दिन मेरे लिए मेहनत की और उसका परिणाम ये हुआ कि आज मुझे प्रत्याशी घोषित किया गया। कहना चाहेंगे? देखिए मैं जनता के बीच तो पहले भी जा चुका हूँ, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए। जनता ने बीजेपी को भी देखा, कांग्रेस को भी देखा है और उनके कार्यकलापों से खिन्न है जनता, और पूरी जनता का रुझान आम आदमी पार्टी की तरफ है। ऋषिकेश में मुखर्जी चौक पर भारतीय जनता पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए की जा रही शूटिंग के दौरान जमकर कोविड नियमों का उल्लंघन किया गया। सोशल डिस्टेंसिंग की तो धज्जियां उड़ाई ही गई और शूटिंग में मौजूद कलाकारों ने मुंह पर मास्क तक नहीं लगाया। यही नहीं, कलाकारों ने हाथों में पार्टी के झंडे भी लहराए। ऐसा नजारा देख स्थानीय लोगों ने नियमों के उल्लंघन की जानकारी प्रशासन को दी और सूचना मिलते ही पुलिस और FST की टीम मौके पर पहुंची और महामारी एक्ट में मुकदमा पंजीकृत करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। उत्तराखंड में युवा बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन कर अल्मोड़ा का नाम देश प्रदेश में रोशन किया है। लक्ष्य ने विश्व चैंपियन और सिंगापुर के खिलाड़ी लोहकिन यू को फाइनल मुकाबले में सीधे सेटों में हराकर पुरुष एकल वर्ग का खिताब अपने नाम किया। लक्ष्य की ऐतिहासिक जीत पर उनके गृह जनपद अल्मोड़ा में खुशी की लहर है। बैडमिंटन एसोसिएशन के सचिव BS मनकोटी का कहना है कि जिस प्रकार लक्ष्य ने लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
जीतने वाले वो सबसे युवा भारतीय होने का गौरव प्राप्त किए हुए हैं। लक्ष्य सेन ने एक ही महीने में 2 पदक जीते हैं। अभी पिछले महीने ही उन्होंने स्पेन में वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता और इधर इंडिया ओपन का खिताब अपने नाम पर किया। वो दिन दूर नहीं जब लक्ष्य सेन दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी बनेंगे और आने वाले ओलंपिक में पदक जीतेंगे। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में बढ़ोतरी का क्रम बरकरार है। मौत के बढ़ते मामले भी चिंता का सबब बने हुए हैं। मामूली राहत इस बात की है कि पिछले दिनों की तुलना में संक्रमण दर में कुछ कमी आई है। सोमवार को प्रदेश में कोरोना के 3,295 नए मामले मिले और 4 मरीजों की मौत हो गई। सुकून की बात यह है कि 2067 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं, जबकि संक्रमण दर 8.42% रही। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटे में विभिन्न लैब से 39,138 सैंपल की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। इनमें 35,843 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई। देहरादून में सबसे अधिक 987 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा उधम सिंह नगर में 568, नैनीताल में 546, हरिद्वार में 352, पौड़ी में 289, चमोली में 137, अल्मोड़ा में 111, टिहरी में 65, पिथौरागढ़ में 60, रुद्रप्रयाग में 53, चंपावत में 45, उत्तरकाशी में 43 और बागेश्वर में 39 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।